मीका क्या है सब? अब क्या हुआ भाई? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों? क्यों? क्योंकि वो लड़का जो तेरे साथ आया है, वो लड़का जो बाहर खड़ा है, उस लड़के का ऑफिस हमारे ही कॉम्प्लेक्स में। हाँ, उसने मुझे बताया था, मुझे पता है, बट मैंने उसे नहीं बताया था कि आप मेरे भाई हो, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो आपसे मिलने वाला है। पर तो उसके साथ क्यों है? उसके साथ क्यों? एक सेकंड, आप उसको लाइक नहीं करते हो और आप चाहते हो मैं उसके साथ ब्रेकअप करूं, राइट? मैं कैसे ब्रेकअप कर लूं भाई? वो भी इसलिए क्योंकि आप उसको लाइक नहीं करते हो, या फिर इसलिए क्योंकि उसका ऑफिस आपके ऑफिस के प्रेमिसेस में है और आप उसे जानते हो? वो बहुत अच्छा इंसान है भाई। अगर वो इंसान मेरे लाइफ में नहीं होता ना, तो मैं आज आपके सामने नहीं खड़ी होती। मेरा बहुत ख्याल रखता है वो भाई, उसने हर दुख में मेरा साथ दिया है। दुख मतलब अकेलापन भी होता है, वो मेरे अकेलेपन में मेरे साथ था। उससे बेस्ट बॉयफ्रेंड तो कोई हो ही नहीं सकता है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, यहाँ तक कि जब मुझे भूख लगती है तो वो मुझे इमिजिएटली ले जाता है बेस्ट रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाने। ही इज रियली द बेस्ट। उसकी अच्छाइयां गिनाने जाओ, मीका वो लड़का शादीशुदा है। दैट गाय इज मैरिड। शादी हो चुकी है उसकी, समझ आ रहा है तुम्हें? तुम जानती हो उसकी हिस्ट्री क्या है? मैं बताता हूं। लेकिन अक्षय, हम कल कैसे आ पाएंगे? क्यों? मेरी और रणबीर की भी कल शादी है। शादी हो चुकी है उसकी, अब समझ में आया तुम्हें? हाँ हाँ, समझ में आया भाई, बट आपको आधी स्टोरी पता है, आपको पूरी बात तो पता ही नहीं है। मीका, देखो ये कोई प्यार व्यार नहीं, ओके? इसे सिर्फ एक रिबाउंड कहते हैं। अपने पुराने रिलेशनशिप से निकलने के लिए तुम्हें इस रणबीर से प्यार हो गया, लेकिन ये कोई ट्रू फीलिंग्स नहीं है, कोई सच्चा प्यार नहीं है। और मुझे लगता है कि वो पुराना वाला लड़का। हम कब तक उस लड़के की बात करते रहेंगे भाई? अब मैं किसी और के साथ हूँ। आपको इसकी बात करनी है तो आई विल टॉक, आई विल डेफिनेटली टॉक, बट उस लड़के की बात मैं नहीं कर सकती। आई एम अनकंफर्टेबल। मीका बेटा, लेकिन उससे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना? नहीं बदल जाती, राइट? देख, कोई भी रिश्ता बिना स्ट्रॉन्ग बेस के कभी नहीं चलता। और मैं समझता हूँ ये रिबाउंड की जो फीलिंग होती है वो बहुत अलग होती है, लेकिन ऐसे रिश्ते आगे जाके कभी सक्सेसफुल नहीं होते, और शादियां, ऐसी शादियां कभी नहीं चलती। मेरी बात पर। तो प्राची भाभी के साथ आपका रिश्ता? वो भी तो रिबाउंड है। प्राची भाभी के लिए आप रिबाउंड ही हो। जब आप मुझे ऐसा रिश्ता नहीं रखने दे रहे, तो आपने प्राची भाभी को अपने साथ ऐसा रिश्ता क्यों रखने दिया? ऐसा बेसलेस विदाउट फीलिंग्स वाला रिश्ता? अक्षय, क्या बदतमीजी है ये? मॉम, डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।